ऋषिकेश में दशहरे को लेकर ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऋषिकेश पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। एसपी देहात लोकजीत सिंह ने पुलिस अधिकारियों और रामलीला कमेटी के साथ बैठक की। उन्होंने रावण दहन देखने आने वाले ट्रैफिक प्लान का पालन करने की भी अपील की। देखिए, आगामी दशहरा पर्व के दृष्टिगत आज यहाँ सभी पुलिसकर्मियों की अधिकारियों की मेरे द्वारा मीटिंग लेकर उनको ब्रीफ किया गया है और पिछले वर्षों के आकलन करते हुए अनुभवों को शेयर करते हुए कितनी भीड़ थी और क्या ट्रैफिक व्यवस्था थी, सारी हर चीज़ के हर पहलू पर हम लोगों ने आज विचार विमर्श किया है। इसके साथ ही हम लोगों ने जो लोकल व्यक्ति हैं यहाँ पर दशहरा कमेटी के, उनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया और उनका भी उनसे भी राय मशवरा करा और एक ओवरऑल सबसे फीडबैक लेते हुए फिर प्लान बनाया गया है कि आगे हम आगामी इसमें किस तरह से ड्यूटी का संपादन करेंगे और इसको पर्व को संशोधन करना। हाँ देखिए, हमने एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, पार्किंग व्यवस्था और जो अवांछनीय तत्व है उनके लिए पुलिस की व्यवस्था, सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सभी को सभी की ड्यूटी लगाई गई। मथुरा की श्री राधा ऑर्किड कॉलोनी में नगर निगम की एक्सएन पर 10 साल की बालिका से आपत्तिजनक हरकत करने का आरोप लगाया है, जिसमें कॉलोनी की महिलाओं में भारी गुस्सा फैल गया। महिलाएं मेयर विनोद अग्रवाल के घर पहुंची, लेकिन उन्होंने मामले को सिरे से टाल दिया। इसके बाद महिलाएं कॉलोनी के गेट पर हंगामा कर दिया, जिसके बाद सीओ प्रवीण मलिक ने महिलाओं को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। कॉलोनी अध्यक्ष ने आरोपी के खिलाफ गोविंद नगर थाने में तहरीर दी है। कन्नौज में अंधेरे में अस्थियां विसर्जित करने जा रहे 15 लोग घायल हो गए। यह हादसा तब हुआ जब लोडर की स्टीयरिंग फेल हो गई। घायल व्यक्ति को राहगीरों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। हमारे यहाँ सभी का उपचार चल रहा है और अधिकतर सभी लोग स्टेबल हैं। दो तीन तो बिल्कुल स्टेबल हैं और छोटी मोटी चोटें आई हैं, बाकी लोगों को कोई गंभीर रूप से घायल नहीं। झांसी के गढ़माऊ झील में 11 साल का समर जो नहाने आया था डूब गया। घटना के समय उसके साथ महिलाएं और कुछ बच्चियां भी मौजूद थी। पैर फिसलने की वजह से वो झील में गिर गया। स्थानीय लोगों ने उसकी खोजबीन की, लेकिन वो नहीं मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने जल जीवन मिशन की समीक्षा की और जल संस्थान और जल निगम को योजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुणवत्ता पर जोर देते हुए निर्माणाधीन योजनाओं की दैनिक मॉनिटरिंग करने और श्रमिकों की संख्या बढ़ाने का भी आदेश दिया। मंगलौर में घरेलू गैस रिफिलिंग की कालाबाजारी के खिलाफ छापेमारी की गई, जिसमें पुलिस ने एक घर से 30 से ज्यादा गैस सिलेंडर बरामद किए। पूर्ति निरीक्षक सतीश कुमार की टीम ने आरोपी को हिरासत में लिया और गैस सिलेंडरों को अपने कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई की। यहाँ जो अभी जो हमने पकड़े हैं वैसे गैस सिलेंडर 18 है, जिसमें 8 भरे हुए सिलेंडर है, 10 खाली है और घरेलू गैस सिलेंडर 12 मिले हैं इनसे, जिसमें 3 भरे हुए हैं और 9 सिलेंडर खाली मिले हैं और 5 किलो के 2 सिलेंडर है जो खाली है। इनको पकड़ लिया है, गाड़ी में लोड करा रहे हैं। नियमानुसार इनके खिलाफ धारा के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है। ये जो है इनसे जानकारी पूछताछ की जा रही है, इनसे मालूम किया किस सिलेंडर एजेंसी से इनका टाइप है, कहाँ से लाते हैं, कैसे करते हैं, इनकी सब जानकारी उपलब्ध कराते हैं, कार्रवाई की जाएगी। चोरी का खुलासा किया, शातिर चोर सिराजुल हक को गिरफ्तार किया, जिसके पास से 7.5 किलो चांदी और 136 ग्राम सोना भी बरामद किया। फरुखाबाद में डीएम डॉक्टर वी के सक्सेना ने जिला अस्पताल लोहिया का निरीक्षण किया। उन्होंने घायल युवक के लिए ईएनटी सर्जन को बुलाने का निर्देश दिया। स्वस्थ हुए बच्चों को उपहार दिए और माताओं को साड़ी भेंट की। उन्होंने बेहतर चिकित्सा सेवाओं का निर्देश दिया और बताया कि अस्पताल में जल्द ही पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी। श्रावस्ती में मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत श्रावस्ती पुलिस ने 11वीं की छात्रा सरिता कुमारी को एक दिन के लिए एसपी बनाया। उन्होंने दबंगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और एसपी कार्यालय का निरीक्षण किया। हाथरस में आज बेटी से हुई कहासुनी के बाद एक वृद्ध ने ट्रेन के आगे खुदकुशी कर ली। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना स्थल के आसपास पूछताछ की और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा सेक्टर 63 में पुलिस ने एटीएम धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 96 धोखाधड़ी किए एटीएम कार्ड, 5,000 रुपए और घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद हुई। इसमें एक एटीएम बदलकर टप्पेबाजी करने वाली गैंग का खुलासा हुआ। इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई जिसका नाम खुर्शीद है और उसके पास से 96 अलग अलग बैंकों के डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स बरामद हुए।
सितारगंज में अज्ञात कारणों के चलते ग्रामीण ने संदिग्ध परिस्थितियों में अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंप दिया। SI ललित चौधरी ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया गया। वारदात के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आगरा में पुलिस ने सरकारी चावल की कालाबाजारी के मामले में 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी कोटेदार से चावल लेकर हरियाणा में बेचते थे। 10 सितंबर को पुलिस ने छापे में 559 बोरी चावल बरामद किए थे, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ था। देखिए 12 सितंबर को पूर्ति निरीक्षक सुनील कुमार के द्वारा तहरीर दी गई थी। उस क्रम में 10 सितंबर को हम लोगों ने ग्राम रायबा बुद्धा का नगला में मनीष के घर से कुल 559 बोरियां बरामद की थी। लगभग 270 क्विंटल चावल है। और इसके बाद इसको वर्कआउट करने के लिए टीमें लगाई गई थी और ACPs के अंदर लगभग 7-8 टीमें बनाई गई थी, 3 अलग अलग ACPs के अंदर। तो इस धरपकड़ में लोग लगे हुए थे, पर आज मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई और उस क्रम में हम लोग 4 लोग यहाँ गिरफ्तार कर रहे हैं। इसमें सुमित उर्फ इल्ले, मनीष, घनश्याम और जयकिशन। इसमें घनश्याम और जयकिशन जो है कोटेदार हैं। ये लोग अवैध रूप से जो है अंतर्राज्यीय विक्रय करते थे। पहले तो भंडारण भी करते थे और अंतर्राज्यीय विक्रय करते थे। इनसे पूछताछ की गई है, विस्तृत पूछताछ आख्या बनाई गई है और जो भी लिंकेजेस हैं, जो भी बरामद हुआ है डायरी वगैरह इनके पास, इन सब लोग लिंकेजेस पे भी काम कर रहे हैं। भविष्य में इसमें जैसे भी हमें इस गैंग का पर्दाफाश होगा, बाकी मेंबर्स को भी पकड़ा जाएगा।